हम आपको दिखा रहे हैं जनाब उमान के अंदर सलाला से तकरीबन ये 40 किलोमीटर बर्बाद रोड है और ये समुंदर जो है ये जितना बीच है बहुत ही ख़तरनाक तरीन एरिया है। यहाँ पर जो है इस वक्त हम जिस पहाड़ी पर खड़े हैं ये सारा नीचे समुंदर है, नीचे उतना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि इतनी ख़तरनाक जगह है और इतना यहाँ का जो समुंदर है वो इतना ख़तरनाक समुंदर है जैसे आपने हक में और कराची कलिफ्टन और जो मनोड़ा का एरिया है वो आपने देखा होगा, लेकिन ये जो समुंदर है ये बहुत ही तेज तरीन इसके अंदर जो है वो लहरें होती हैं और बहुत बड़ी लहरें हैं और इतना यानी अगर आप वो इंजॉय करने के लिए आते हैं यानी सलाला से आप मरबात रोड पर आएँ तो ये जनाब आपको ज़बरदस्त देखने को व्यू मिल सकते हैं। अभी हम आगे जा रहे हैं, हमारा सफ़र काफ़ी है, यहाँ से तकरीबन आगे कुछ ऐसी प्लेस है हिस्ट्रिकल वो आपको दिखाएंगे। तख्त बल्कीस है और आगे बिन अली है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं उनका आगे मज़ार है। तो ये पूरा एरिया जो है ये समुंदर का बहुत ही ख़तरनाक तरीन एरिया है, यानी आपको यहाँ पे वो मनाजिर मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपको इंजॉय करना चाहते हैं, यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको ये इस तरफ देखें साथ में सारा पहाड़ी इलाका है और ऊपर इतना प्यारा मौसम है, यहाँ का टम्परेचर जो है वो बिल्कुल जैसे मरी में होता है बिल्कुल ऐसा टम्परेचर यहाँ पर है और समुंदर जो है फिर ऊपर पहाड़ी है नीचे समुंदर है, यानी जो साहिल है वो भी बिल्कुल साथ में है। अगर आप बीच की तरफ आएँ तो ये जो है आपको समंदर का नज़ारा भी साथ में मिलेगा और मौसम भी इतना प्यारा मौसम है, लेकिन बस एहतियात करें ये समंदर जहाँ पर क्योंकि यहाँ से वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल है, नीचे काफ़ी गहराई है, आपने काफ़ी जो साल देखे होंगे समंदर के जो साथ में पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबा पहाड़ी इलाका है, साथ में तकरीबन 150-300 किलोमीटर जो एरिया है आगे उस पर यही कंडीशन है समंदर की। और समंदर जो है वो यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक तरीन समंदर है, यहाँ पर खड़ा होना भी काफ़ी मुश्किल है और फिर वीडियो बनाना नीचे जाना तो बहुत ही मुश्किल तरीन काम है नीचे, क्योंकि कोई सुबह से जगह ढूंढनी पड़ती है नीचे जाने के लिए, अदरवाइज ये बिल्कुल बहुत ही मुश्किल काम है। और यहाँ से हम आपको ये देखें बिल्कुल ये कैसा ज़बरदस्त व्यू है समुंदर का, बहुत ज़बरदस्त एरिया है। और जब आप समय इस तरफ खड़े होते हैं तो अगर दूसरी तरफ आप देखें आपके अभी मेरी राइट साइड पर जो है वो पहाड़ी इलाका है, यहाँ का जो मौसम है वो बिल्कुल मरी जैसा मौसम है, अगर आप लेफ्ट साइड में आते हैं तो समुंदर है और इतना ज़बरदस्त यहाँ पे एंजॉय करने के लिए मौसम है। और आगे आप जाते हैं तो आगे आपको तकरीबन जितनी हिस्ट्रिकल एरिया है वो इससे आगे अभी हम जा रहे हैं, हमारा सफ़र आगे की तरफ है, यहाँ से तकरीबन काफ़ी आगे हमने जाना है तो हमने कहा कि चलो नाजरीन को ये जो समंदर का व्यू है ये भी दिखाते हैं। अगर लोग सलाला से मरबात रोड पर आते हैं तो जनाब ये बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है, आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर एक और एहतियात बहुत ज़रूरी है इस इलाके में,
यहाँ पर जो है जितने यहाँ के चूतियाँ हैं और दूसरी जहरीली चीज़ें हैं वो आपको पता नहीं है, वो जब काटती है तो बिल्कुल इतनी उनके अंदर जहर है कि उनसे याद करें और जी हम बिल्कुल इस वक्त आपको मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है और लाख करीब ये रेलवे है बहुत ये देखिए जनाब अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं बहुत ही एडवेंचर लाइफ है, यहाँ पर सांप वगैरह भी काफ़ी होते हैं इस एरिए के अंदर और काफ़ी जगह जहाँ पे सांप है और ये एरिया जो है ये बहुत ही डेंजरस एरिया है, यहाँ से नीचे उतरना बहुत ही मुश्किल तरीन काम है, आदमी नीचे नहीं जा सकता है क्योंकि कोई भी चीज़ ये आप देखें ये स्पेशल यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं ये जनाब देखें आदमी को यहाँ बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं नीचे जाने के लिए क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है और नीचे समुंदर की खौफनाकियाँ भी वो भी अगली पर हैं, यानी यहाँ से अगर खुदा का फासला गिरता है तो पहाड़ी से नीचे जाने का कि उसका काम हो जाता है, अगर कुछ भी बच जाए ये जो समुंदर खड़ा है ये उसको छोड़ता नहीं है, तो अपना ख्याल रखिए इंशाल्लाह आगे जाके हम आपको तख्त बलकीस और उस तरफ अभी हम जा रहे हैं तो आगे वो एरिया आपको दिखाएंगे। ये हमने कहा बहुत ज़बरदस्त जगह है, चलो ये जनाब आपसे शेयर करते चले इंशाल्लाह जो जो यहाँ का मौसम तो इतना ज़बरदस्त मौसम है यानी जो जुलाई के अंदर भी यहाँ पर ज़बरदस्त ठंडी हवा चल रही है और ज़्यादातर इस एरिए में हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, ये आप देख के बैक में सारा जहाँ जहाँ तक नज़र जाती है। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें और हमारा व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह ये जैसे हमारा चैनल ग्रोथ करेगा तो हम आपको दिखाएंगे हमने आगे क्या प्रोग्राम शुरू किए हैं और इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत पहाड़ी थी, बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया है।